I'm at the Bangalore International Airport. Just finished, what do you call, immigration, went through security, and I just went through a very disturbing event. So I thought, let me go live and report about this. And so I was at my immigration. And the immigration officer mujhe kehte hain ki kahan ja rahe ho. Maine kaha Dubai. To maine unko apna Emirates diya. Emirates ID diya. एंड मेरे से कर्णा में बात करने लगे, तो मैंने उन्हें कहा कि सॉरी सर, नमगे कर्णा बरल्ला स्वल्प स्वल्प बता दिया. तो भाई साहब कहने लगे कि कर्णा में कि पासपोर्ट दिखा के कि तुम्हारा बर्थ प्लेस बैंगलोर है, हाँ तुम्हारे बाप का बर्थ प्लेस बैंगलोर है और तुम्हें कर्णा नहीं आती. तो मैंने कहा कि मैं बैंगलोर में पैदा हूँ तो मुझे कर्णा आना जरूरी है क्या? मैं दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ. आई वॉज बॉर्न इन बैंगलोर बट आई कैन ट्रैवल एनीवेयर अब्रॉड. आई एम अ सऊदी चाइल्ड. मैं अपनी पूरी स्कूलिंग सऊदी में की है. तो मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रहकर कर्णा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूं. मैंने कहा ट्राई मी. मैंने कहा रियली यू गोना सस्पेक्ट मी? सस्पेक्ट मी फॉर व्हाट? प्लीज टेल मी, सस्पेक्ट मी फॉर व्हाट? ट्राई मी, मैंने कहा. फिर मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हुई. मैंने कहा प्लीज ट्राई मी ना. और फिर मैंने उसे कहा कि इफ अनएजुकेटेड पीपल आर यू लाइक दिस इन दिस इफ अनएजुकेटेड पीपल लाइक यू आर इन दिस कंट्री विल नेवर ग्रो. तो मुझे ना बहुत अभी फिलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, जिस सिटी से मैं निकला हूँ और मैंने कहीं ना कहीं इस सिटी का पता नहीं कंट्रीब्यूट किया है. मैंने इतने सारे टाइटल्स जीते हैं एंड नाउ आई हैव टू प्रूव इट टू दिस गाइस दैट आई एम इंडियन. मैंने उसे कहा कि यार हमारी मातृभाषा हिंदी है, मुझे हिंदी आती इतना काफी नहीं है.